आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा जल्दी आई हुई हूँ मैं दुकान में, क्योंकि मुझे एक चिकन बनाने का ऑर्डर आया हुआ था। मतलब एक चिकन क्या होता है, आधा किलो मुझे चिकन बनाना था, तो थोड़ा जल्दी आई। और आज मैंने देखा कि हमारी पुल में लेंटर डालने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे मशीन भी आ गई है और आज फाइनली लेंटर डल जाएगा बड़े ही सालों बाद। 3-4 साल, शायद 3 या 3.5 साल तो हो ही गए हैं शायद, तो फाइनली काम कंप्लीट होने वाला है। और आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या चल रहा है करके। और वेदू तो स्कूल चले गई है, निक्कू उसको छोड़ने के लिए गया हुआ है स्कूल और अभी वो यहाँ आ जाएगा। तो आज मम्मी लोग यहीं हैं, कल को चले जाएंगे वो लोग, कल संडे को शाम के टाइम में जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं आज क्या क्या होता है नया खास। मतलब तो पहले बगल वाली दुकान खोलती हूँ। ये वाली दुकान खोल के मैं यहाँ आ गई थी सीधे, बगल वाली दुकान अभी खोली नहीं है और तुरंत पहले मैंने चिकन बनाना है, उसके बाद किसी का ऑर्डर है ना, कहीं जाना होगा वो, तो उसके बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। तो काम भी स्टार्ट हो गया है, मसाला बनना तैयार हो चुका है और मैंने भी चिकन बना लिया है दुकान में। ये देखो स्पीड से काम होता है इसमें तो बहुत ज़्यादा। एक टाइम था जब लोग हाथ से लगे रहते थे, अभी भी गांव में तो ऐसे ही होता है, लेकिन ये रोड साइड है इसलिए यहाँ पे हो जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आऊँगी, यहाँ पे आधे से ज़्यादा जल जाएगा। बनके आ चुका है स्वादिष्ट सा खाना। निक्कू बोल रहा है ये मौसी क्या है बल पता नहीं, वीडियो बनाने लग गई। कड़वी ककड़ी किनारे रख दी है निक्कू ने और कड़वी है, ऊपर का कड़वा होता है। ये रही घर घर का खीरा, ये रहा, मजा आ गया, यही तो मुझे चाहिए था। तो पानी की बोतल किसकी उठा के लाई है? ये देखो मम्मी ऐसे पानी ले आती है किसी का भी। दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बर्तन धोए और उसके बाद ही मुझे आ गया था एक मैगी और दो चाय का ऑर्डर। जैसे ही उस मैगी को बनाने लगी फिर दूसरी मैगी का ऑर्डर भी आ गया था। तो वो सारे ऑर्डर बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे, मट्ठा वगैरह पी हम लोगों ने और थोड़ी देर बाद फिर वेदू मैडम भी आ गई थी स्कूल से। अभी तक वेदू और वेदू का दादा खेलने में लगे थे। अब देखो होशियार वेदिका पढ़ाई कर रही है और बहुत गलत बात है, दादा ने बड़ी पेंसिल पकड़ी है और अब बैनी के हाथ में तो पेंसिल को, हाँ बैनी खुद बनाएगी अच्छे से बनाऊंगी। अच्छे से, अच्छे से, उल्टे हाथ से कोई बात नहीं, बन जाता है, आराम आराम से करो। इसको जल्दीबाजी होती है ना हर काम को बनने की, थोड़ा हवड़ तबड़ होती है तो थोड़ा सा फिर अगर गलत बन जाता है तो ये नाटक भी करने लग जाती है फिर। चल बना रहा आराम से बना बाबू। और आज इतनी ज़्यादा गर्म है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को पहली बार आज अंदर साइड यहाँ पे भी गर्म लग रहा है। कल तक ये पंखा चला के थोड़ा सा अच्छा लगता था, लेकिन आज हर जगह से गर्म हवा आने में लगी है और कुर्सी में बैठ रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्म लग रही है यहाँ, मतलब क्या ही बताऊँ मैं अब। और अभी फ़िलहाल हम लोग मम्मी लोग तो चले जाएँगे थोड़ा पहले, लेकिन मैं तो शाम के टाइम में ही जाऊँगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मम्मी वेदू लोग सब लोग चले गए हैं घर को और हमारी पुल का काम भी पूरा हो चुका है। किनारे की थोड़ा सा फिनिशिंग अभी बच रखी है, लेकिन पूरा ब्लेंटर डल चुका है उसमें। और जो ठेकेदार साहब हैं वो तो चल के देखने भी लग गए कि कैसा काम करा है करके सब लोगों ने। तो एक बार ऊपर से दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ आई हुई थी पानी भरने के लिए लेकिन पानी आया नहीं है। यहाँ देखो जोशी जी के यहाँ मस्त गुलाब हुए, पानी नहीं डालते हैं इतना ज़्यादा फूलों में, लेकिन फिर भी ठीक हुए हैं फूल।
केदार साहब को देखो। ये जो अंकल आ रहे हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो उनका कैमरा देख सकते हैं आप लोग, कितना मस्त लग रहा है। मेरी दुकान में ग्राहक आ गए, मेहनत करते हैं ये भैया लोग। इतनी ज़्यादा मेहनत तो यही लोग कर सकते हैं, सच बता रही हूँ। बिहार से और नेपाल से आए हुए भाई लोग, वो कैसे लगे हैं। दोस्तों रात के 7:30 बज चुके हैं और मैं अभी पहुंच रही हूँ अपने घर। इतनी ज़्यादा गर्म हुई है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है। आज दिन भर बहुत ज़्यादा गर्म लगी, लेकिन अभी जब ऊपर को आई ना, मैं अपना बड़ा वाला बैग लेके आई, जो ट्रॉली बैग मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि ये भी ले जाना पड़ेगा मुझे घर करके। बड़ी मुश्किल से मैं आज इसको घर उठा के लेके आई हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा आफत आई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और बारिश आने का मौसम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हवा हवा चल रही है बाहर से। हवा खाने के लिए तो ठीक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा आंधी तूफान जैसा चल रहा है, ये चीज़ बहुत वो है। देखते हैं आज बारिश आ रही है या खाली है, हवा हवा ही में चल जाएगा। और आज जो है नीचे वाली चाची जो है हमारी, रास्ते वाली जो चाची है ना नीचे, उनके यहाँ आज जागर लगने वाली है, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा। देखती हूँ शाम को, अगर रात को 12 बजे के बाद लगेगी बोल रहे थे, क्योंकि जो आते हैं ना डंगरिए नाचने वाले मतलब, तो वो आएंगे आपका 12 बजे के बाद ही, क्योंकि शायद उन्होंने कहीं और भी जागर लगानी होगी, तो देर में जागर स्टार्ट होगी। देखते हैं क्या होता है रात को। अभी तो पहले ऊपर जाती हूँ, थोड़ा बहुत हवा खाती हूँ, अपना पसीना सुखाती हूँ। अरे निकल गई है, सच बता रही हूँ आज। और देखो मेरी मम्मी ने क्या कराया, दिखाओ अपने मेरे गमले मम्मी ने बाहर की साइड रख रखे हैं, क्या पता बारिश आ जाएगी तो भीग जाएंगे करके। अच्छे सारे के सारे गमले रख दिए हैं, अच्छे हो रखे हैं। अंदर साइड वाले गमले तो अच्छे हुए थे, यहाँ पे जो मैंने पत्थरों में रख रखे थे ना सारे के सारे, ये सब बाहर से रख दिए हैं मम्मी ने। सबसे प्यारे फूल मेरे ये हैं, जो दो हर वक्त हरे भरे रहते हैं, और फिर ये थोड़ा बहुत, लेकिन ये वाला देखो सबसे प्यारा यहाँ पे ये वाला पेड़ लग रहा है आजकल। नवेदो 300 रखी हैं इसमें प्यारी प्यारी, ये भी मम्मी लगा के गई थी। तो एक सब्जी बेदू और मेरी है यहाँ पे, उसको भी हम कभी बनाएंगे। और देखो यहाँ पे मैंने ये वाला फूल लगा रखा है इसके साथ साथ, बीन के साथ साथ, तो ये है। और हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है यार वेदी का। देखो नीचे वाले खेत में पुलम कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। चल बिट्टू ऊपर चल, बाबू छोड़ दे छोड़ दे, तू छेड़खानी मत क्या कर फिर। ये हैंकी भी छोड़ दे, मुँह मत डाल गंदा हैंकी, चल इसको अंदर रख और तू अब ऊपर जा। हमारे घर के ऊपर वाले खेत में भी आड़ू पकने लग गए हैं अब। दीदी लोगों का ये वाला आड़ू पहले का है ना, तो इसमें भी अब रेड रेड कलर आने लग गया है, और हल्के फुल्की चाल भी चमकने लग चुकी है। चाल मतलब आसमान में लाइट जल रही है। और ये देखो हमारे यहाँ की लाइट बंद हो गई है, क्या टाइमिंग थी लाइट जाने की। अब बताओ अब क्या होगा रे चोर लड़की, अब क्या होगा। देख देख निको कैसे चोरी करने के लिए घुसी थी अंदर, देख ये देखो ऐसा मौसम हो चुका है। टीवी बंद कर दी यार दीदी भगवान ने।